आज गुरुदेव ने विशेष जानकारी दी है। आज की कथा रागम मिश्रा नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी करेंगे। आज की कथा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रागम मिश्रा जी की कथा सीहोर में हो रही है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लाडले सुपात्र हैं। तो आप सभी उनकी जो कथाएं हैं वो लाइव नहीं देख पा रहे हैं। उनकी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप टीवी, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से उन कथाओं का आनंद नहीं ले सकते हैं। परंतु गुरुदेव ने विशेष जानकारी ये दी है कि जो आगामी कथाएं होंगी रागम मिश्रा की, वो सभी कथाएं आप सभी को लाइव यूट्यूब, फेसबुक और टीवी के माध्यम से दिखाई जाएंगी। ये जो कथा थी, पहली कथा थी, इस कथा में कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती हो जाए तो उस गलती का, त्रुटि का लोग बहुत ज्यादा अब सोशल मीडिया पर इशू बना देते हैं। इस वजह से गुरुदेव ने इस कथा को लाइव नहीं रखा है, गुप्त रखा है, और वहां पर जाने वाले श्रद्धालु ही इस कथा का लाइव आनंद ले सकते हैं। आज की विशेष जानकारी ये है। यह जो कथा होने वाली है, यह कथा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होने वाली है, और इस कथा का जो समापन होता है वो रागम मिश्रा के द्वारा ही होता है। परंतु कथाओं के बीच बीच में गुरुदेव अपनी जो कथाएं होती हैं उनके बारे में विशेष सूचनाएं देती हैं, पत्रों के बारे में विशेष सूचनाएं देती हैं। जैसा कि उनकी कथाओं में विशेष पत्र आते रहते हैं, तो ऐसे ही रागम मिश्रा की जो आज की कथा होगी वो आप सभी को बता दें 3 बजे समाप्त होगी, 1 बजे से प्रारंभ होगी। तो आप सभी वहां जाकर इन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। और जैसे ही हमको छोटी छोटी क्लिप यहां पर मिलती है तो हम आप सभी को देंगे। और उनकी जो कथाएं हो रही हैं उसमें लोग भव्य तरीके से जो है बहुत ज्यादा आनंद के साथ में वहां पर, मतलब लोग उत्साह के साथ में वहां आनंद ले रहे हैं। तो आप भी इन कथाओं का आनंद ले सकते हैं, भव्य तरीके से इन कथाओं में आप अपना हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों।